हेलो एवरीबॉडी बारी नमस्कार हम सभी को बिकॉज इट डोट अमेजिंगली वेल वेलकम बैक टू अवर चैनल अंग्रेजी की क्लास गाइज आज की क्लास में आज की कक्षा में हम सीखने वाले हैं परफेक्ट पार्टिसिपल्स के बारे में लास्ट क्लास में हमने सीखा पार्टिसिपल्स क्या होते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल्स क्या होते हैं पास्ट पार्टिसिपल्स क्या होते हैं प्रेजेंट और पास्ट पार्टिसिपल फ्रेजेस क्या होती हैं आज हम सीखेंगे परफेक्ट पार्टिसिपल्स के बारे में बहुत ही एडवांस टॉपिक है बहुत एग्जाम्स में आएगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको दिखेगा न्यूज़पेपर्स में दिखेगा डिफिकल्ट बुक्स में दिखेगा नॉवल्स में दिखेगा तो इसको मास्टर करना जरूरी है तो आज इसको मास्टर करेंगे बहुत जड़ तक समझ लेंगे इसको बहुत आसान तरीके से एंड में गोना बी ए क्विज टू चेक योर अंडरस्टैंडिंग एक क्विज़ होगी आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक करने के लिए और अमेक साइड अमे यू गैजर टू चलिए स्टार्ट करते हैं तो समझते हैं व्हाट इज़ अ परफेक्ट पार्टिसिपल परफेक्ट पार्टिसिपल होता क्या है गुरुजी बता दो देखो

या तो ये काम करेगी एक एडजेक्टिव की तरह या ये काम करेगी एक एडवर्ब की तरह वर्ब की तरह कतई काम नहीं करेगी आई नो इट सरप्राइजिंग ठीक है अब देखो परफेक्ट पार्टिसिपल भी एक पार्टिसिपल है तो ये भी एडजेक्टिव की तरह काम करेगा या एडवर्ब की तरह काम करेगा नाउ इट रेफर्स टू एन एक्शन दैट हैपेंड बिफोर द एक्शन इन द मेन क्लॉज ये एक एक्शन को रेफर करेगा पॉइंट आउट करेगा जो मेन क्लॉज के एक्शन से पहले हो चुकी होगी ठीक है अब ये सारी चीज आपको बहुत ही आसान तरीके से मैं समझाऊंगा ठीक है कैसे फॉर्म करेंगे आप फॉर्म करेंगे हम एक प्रेजेंट यूज तो करेंगे having, फिर आप यूज करेंगे पास्ट पार्टिसिपल फॉलोड और मॉडिफायर वर्ब ट्रांसलेटिव होगी तो ऑब्जेक्ट आएगा नहीं होगी तो नहीं आएगा पैसिव फॉर्म में थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है के बाद हम बिन यूज करते हैं ठीक है चलिए तो आप दो तरीके के होते हैं हमारे परफेक्ट पार्टिसिपल्स एक्टिव परफेक्ट पार्टिसिपल्स पैसिव परफेक्ट पार्टिसिपल्स फर्क क्या है दोनों में एक्टिव परफेक्ट पार्टिसिपल्स का सब्जेक्ट और मेन क्लॉज का सब्जेक्ट सेम होता है वही डूअर होता है एक्टिव परफेक्ट पार्टिसिपल का और पैसिव परफेक्ट पार्टिसिपल में इसका डूअर कोई और होता है और मेन क्लॉज का सब्जेक्ट कोई और होता है अभी आपको सब समझ में आएगा ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं एक्टिव परफेक्ट पार्टिसिपल्स एग्जाम्पल्स बहुत आसान लिए हुए ठीक है डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है इनको हम देखेंगे किस तरीके से परफेक्ट पार्टिसिपल यूज हो रहे हैं समझ लेंगे और फिर हम स्टार्ट कर देंगे इनको यूज करना सिंपल हैविंग फेल्ड द एग्जाम फॉर द थर्ड टाइम शी कमिटेड सुसाइड तीसरी बार एग्जाम फेल करने पर फेल होने पर उसने सुसाइड कर लिया अब पहले समझो कि इस सेंटेंस में क्या क्या है हमारे पास हैविंग फेल्ड द एग्जाम फॉर द थर्ड टाइम तो हमारी हो गई परफेक्ट पार्टिसिपल फ्रेज एक्टिव फॉर्म में है।

पहले वो फेल हुई एग्जाम तीसरी बार और फिर उसके बाद उसने सुसाइड करा तो जो पहले काम होता है वो होता है परफेक्ट पार्टिसिपल में ठीक है और और इस काम काम को जो जो करता करता है और का जो काम करता है मेन का उसका सब्जेक्ट सेम होता है देखिए शी कमिटेड सुसाइड उसने सुसाइड करा और जो फेल हुआ तीसरी बार एग्जाम में वो भी वही थी ठीक है शी द थर्ड टाइम कमिटेड सुसाइड तो यहां पर परफेक्ट पार्टिसिपल रीजन बताता है मेन मेन क्लॉज का main verb का वर्ब शी कमिटेड सुसाइड सुसाइड उसने suicide कर लिया ठीक है भैया लटक गई वो पर ऐसा क्यों हुआ आफ्टर फेलिंग द एग्जाम फॉर द थर्ड टाइम तीसरी बार एग्जाम फेल करने पर हैविंग फेल्ड द द एग्जाम फॉर थर्ड टाइम आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो शी कमिटेड सुसाइड आफ्टर फेलिंग द एग्जाम फॉर द थर्ड टाइम और आ, इसको एक क्लॉज में चेंज कर लो शी कमिटेड सुसाइड

रीजन की तरह का ये काम, काम क्यों हुआ इसका रीजन ये है हैविंग फेल्ड द द एग्जाम फॉर थर्ड टाइम अब आपको ऐसा भी लग सकता है कि एक्जेक्टिव की तरह काम कर रही है शी हैविंग फेल्ड द द एग्जाम फॉर थर्ड टाइम तीसरी बार फेल होने पर इस सर्टेन स्टेट में उसने सुसाइड करा तो हां एक तरीके से एडजेक्टिव की तरह भी काम करिए बट मेजरली ये एडवर्ब की तरह काम करिए शी कमिटेड सुसाइड व्हाई हैविंग फेल्ड द एग्जाम फॉर द थर्ड टाइम एज और बिकॉज शी फेल्ड द द एग्जाम फॉर थर्ड टाइम समझ में आया क्लियर है दूसरा देखो डेट विद uh, उसे पहले से ना जानने के कारण मैक्स ने उसके साथ डेट पे जाने से मना कर दिया भैया ने कहा नो नहीं जाएंगे अब देखो पहले क्या हुआ पहले वो नहीं जानता था उसको ना जानने के कारण इसलिए उसने मना करा उसके साथ डेट पे जाना ठीक है तो नॉट हैविंग मैट बिफोर तो हो गई आपकी परफेक्ट पार्टिसिपल नेगेटिव परफेक्ट पार्टिसिपल है नॉट आ रहा है स्टार्टिंग में भी आ सकता है मतलब प्रेजेंट uh, पार्टिसिपल के पहले भी आ सकता है बाद में भी आ सकता है कुछ ग्रेमेरियंस कुछ टीचर्स बोलते हैं पहले यूज़ करो कुछ कहेंगे बाद में यूज़ करो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि ज़्यादा मैंने आर्टिकल्स में नॉवल्स में न्यूज़पेपर्स में पेपर्स में मैंने नॉट को प्रेजेंट uh, पार्टिसिपल से पहले यूज़ करा देखा हुआ है ठीक है तो मैं इसको पहले यूज करता हूं मैं सजेस्ट भी करूंगा आप पहले यूज करो बाद में करना है तो कर सकते हो कर सकते हो right, तो ठीक मिलने के कारण रीजन क्या है नॉट बिफोर अब देखिए ये जो काम है उससे ना मिलना ये मैक्स ही रिप्रेजेंट कर रहा है मैक्स ही नहीं मिला उससे पहले और इसी वजह से मैक्स ने डेट पे जाने से मना कर दिया अब ये दोनों जो काम हुए ये दोनों मैक्स ने ही करे हैं मैक्स ने ही मना करा और मैक्स ही उससे पहले नहीं मिला था समझ रहे हो एक्टिव स्ट्रक्चर है इसका सब्जेक्ट सब्जेक्ट और और मेन क्लॉज का सेम है समझ गए चलिए देखते हैं है? समझते अच्छे से ठीक है तीसरा सर एग्जाम्पल देखो हैविंग लिव इन डेली फॉर सम समय ही न्यू ऑल द कूल प्लेसेस टू हैंग आउट दिल्ली में कुछ साल रहने के कारण वो दिल्ली की सारी कूल cool प्लेसेस को जानता था सारी अच्छी जगहों को जानता था अब देखो ही न्यू ऑल द कुल प्लेसेज टू हैंग आउट ये तो हमारी हो गई मेन क्लॉस ठीक है इसका सब्जेक्ट क्या है ही उसको पता था उसको पता कब चला इसका रीजन क्या है बिकॉज ही हैड लिव इन डेली फॉर सम ईयर्स क्योंकि वो दिल्ली में कुछ साल रहा था हैविंग लिव्ड इन डेली फॉर सम ईयर्स कुछ साल रहने दिल्ली में रहने के बाद ठीक है अब देखो ये जो काम है दिल्ली में रहना कुछ साल रहना ये किसने करा है इस ही ने करा है इसका सब्जेक्ट ही है ही हैविंग लिव्ड इन डेली फॉर सम ईयर्स

यहां पर हमारी मेन क्लॉज पहले आ रही है बोनू डिसाइडेड टू मैरी राधिका ठीक है हैविंग नोन हर फॉर ये है हमारी परफेक्ट uh, पार्टिसिपल ये आ रही है बाद में अब आपने एक चीज नोटिस करी होगी जब भी भी हमारी परफेक्ट पार्टिसिपल सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ रही है बिगनिंग में आ रही है तो हम यूज उस कर उसके बाद कॉमा और आपको करना पड़ेगा और अगर एंड में आए तो नहीं करिए ठीक है ठीके? आप स्ट्रक्चर चेंज कर दीजिए मेन क्लॉज को पहले ले आइए पार्टिसिपल क्लॉज को परफेक्ट पार्टिसिपल क्लॉज को एंड में ले आइए जैसे कि अभी हमने करा है डिसाइडेड टू मैरी राधिका हैविंग नोन हयर्स उसको सालों से जानने के बाद uh, उसने राधिका से शादी करने का क्यों डिसीजन लिया हैविंग नोन हर फॉर ईयर्स उसको सालों से जानने के कारण पहले वो उसको सालों से जानता था उसके बाद उसने डिसाइड करा चलिए राधिका जी से शादी कर ली जाए ठीक है आप इसको एक सिंपल uh, सेंटेंस में चेंज कर सकते हो इस फ्रेज uh, को एक डिपेंडेंट uh, क्लॉज में चेंज कर सकते हो मोनू डिसाइडेड टू मैरी राधिका, बिकॉज़ ही हैड नोन हर फॉर इयर्स क्योंकि वो उसको बहुत सालों से जानता था सिंस ही हैड नोन हर फॉर इयर्स क्योंकि वो उसको बहुत सालों से जानता था एज ही हैड नोन हर फॉर इयर्स क्योंकि वो उसको बहुत सालों से जानता था देयर आर मल्टीपल वेस टू से सेम थिंग ठीक है तो ये तो हो गया आपका

वो मेन क्लॉज का सब्जेक्ट नहीं करेगा वो उसको रिसीव करेगा समझ लो एग्जाम्पल देखो राइट चीटन बाय हिज से धोखा मिलने के बाद उसने उसको डिवोर्स दे दिया अब देखो ही He her राइट right अवे ये तो हो गया हमारा मेन क्लॉज स्टार्टिंग में आ रहा है यहां पर ठीक है उसने इसको डिवोर्स दिया क्यों दिया हैविंग बिन चीटन बाय हिज लव अपने प्यार से धोखा मिलने के बाद

पहला काम क्या हुआ पहले उसके प्यार ने उसको चीटिंग करी फिर उसके बाद उसने उसको डिवोर्स दे दिया ठीक है दूसरा देखो हैविंग फ्रॉम द जॉब ही स्टार्टेड लुकिंग फॉर अ न्यू जॉब उसकी पुरानी जॉब से फायर होने के बाद निकाल दिए जाने के बाद वो नई जॉब ढूंढने लग गया ठीक है पहले एक काम हुआ फिर दूसरा काम हुआ जो पहला काम हुआ है वो हुआ है परफेक्ट पार्टिसिपल फ्रेज में ठीक है पैसे वो क्या है हैविंग फ्रॉम द जॉब जॉब से निकाल देने के बाद फायर्ड होने के बाद अब देखो वो नई जॉब ढूंढने लग गया अब इसका सब्जेक्ट क्या है ही अब उसने अपने आप को तो फायर नहीं करा है ना उसको किसी और ने फायर करा ये जो काम हुआ है वो इसने नहीं करा है इस पे ये काम हुआ है ही हैविंग बीन फायर फ्रॉम द जॉब ये किसने करा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है पैसिव वॉइस में यही होता है जो हुआ है वो इंपॉर्टेंट होता है किससे किसने उस काम को किया है ठीक है द रिसीवर ऑफ द एक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट देन हु डिड इट

इस वर्ब को मॉडिफाई कर रही है एडजेक्टिव की तरह काम ये कर ही नहीं सकती क्योंकि डिस्पाइड यहां पर यूज़ हुआ है तो ये तो क्लियरली एडवर्ब इनका सब्जेक्ट और मेन क्लॉज का सब्जेक्ट एक नहीं होता अलग अलग होता है मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ समझा दिया ठीक है अब समझते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेजेस और परफेक्ट पार्टिसिपल फ्रेजेस में क्या डिफरेंस होता है क्योंकि काफी टाइम इन दोनों को इंटरचेंजेबली यूज करा जा सकता है देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज का जो एक्शन है और मेन क्लॉज का एक्शन है इन दोनों में डिफरेंस बहुत कम होता है मेन क्लॉज का जो एक्शन है वो इमीडिएटली फॉलो करता है प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज का एक्शन बट परफेक्ट पार्टिसिपल फ्रेज का जो एक्शन होता है और जो मेन क्लॉज का एक्शन होता है वो बहुत ही क्लोज हो भी सकते हैं और uh, दूर भी हो सकते हैं ऐसा भी हो सकता है जो परफेक्ट पार्टिसिपल फ्रेज है उसमें जो काम हुआ है वो पास में बहुत बार हो हो चुका है और ऐसा प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज में नहीं होता है ठीक है एग्जाम्पल आप देखो सींग हिस्स चाइल्डहुड फ्रेंड एट द वेडिंग ही देडिंग क्राइम अपने बचपन के दोस्त को शादी में देखते ही वो रोने लग गया तो प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज जब इस तरीके से यूज होती है सेंटेंस स्टा, uh, के स्टार्ट में आती है तो वो किस तरीके से काम करती है ये होने पर वो हो गया पहले प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज का एक्शन होगा फिर होगा मेन वर्ब का एक्शन ये होते ही वो हो गया चोर के आते ही पुलिस के आते ही चोर भाग गई मुझे देखते ही वो शर्मा आ गई ठीक है अपने बचपन के दोस्त को देखते ही वो रोने लग गया तो इन दोनों काम में डिफरेंस बहुत कम है ये होते ही ये हो गया पर अगर आप परफेक्ट पार्टिसिपल यूज करोगे यहां पर तो शायद इन दोनों काम में डिफरेंस हो सकता है हैविंग सीन हिज चाइल्डहुड फ्रेंड एट द वेडिंग परफेक्ट पार्टिसिपल फेस ठीक है एक्टिव में है ही स्टार्टेड क्राइम अपने चाइल्डहुड फ्रेंड बचपन के दोस्त को देखने के बाद पहले उसने देखा फिर वो रोने लगा अब ऐसा हो सकता है कि वो देखा उसने पहले अपने बचपन के दोस्त को फिर कुछ किया फिर वो वॉशरूम में गया फिर रोने लगा ऐसा हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि देखने के बाद ही रोने लग गया ठीक है ये एग्जाम्पल देखो अब सींग द पुलिस द तीफ रेन अवे पुलिस को देखते ही चोर भाग गए ठीक है पुलिस को जैसे ही देखा चोर भाग गए ये काम होते ही वो हो गया Present participle phrase. Seeing the police, पुलिस को देखा, the thief ran चोर भाग गए. ठीक है, इन दोनों काम में डिफरेंस कम है. Having worked for ten years in the company, he earned himself a special place. उसने एक special जगह प्राप्त करी, earn करी. Having worked for ten years in the company, company में दस साल काम करने के बाद, तो ऐसा नहीं है कि ये होने पर वो हो गया. उसने पिछले दस सालों में company में काम किया. उसके बाद उसने एक special जगह प्राप्त करी. अगर यहां पर आप प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज यूज करो तो बहुत ही ऑड लगेगी वर्किंग इन द कंपनी ही हिमसेल्फ अ स्पेशल प्लेस नहीं नहीं सेम मीनिंग दे रही तो थोड़ा सा डिफरेंस है इंटरचेंजेबली आप यूज कर सकते हैं कहीं 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 कहीं, कहीं, कहीं नहीं कर सकते ठीक है आपको अब समझ में आ गया होगा परफेक्ट पार्टिसिपल फ्रेजेस क्या होती हैं एक्टिव फॉर्म में कैसे यूज करते हैं पैसिव फॉर्म में कैसे यूज करते हैं अब है आपके लिए छोटा सा टास्क स्क्रीन पे कुछ सेनेसेज आपको दिख रहे हैं आपको करना क्या है इन सेनेसेज में अब आपको एक क्लॉज को एक डिपेंडेंट क्लॉज को चेंज करना है परफेक्ट पार्टिसिपल फ्रेज में ठीक है कैसे करना है अब तो आप समझ गए गएगे ठीक है यही है थोड़ा सा चैलेंज तो उम्मीद है गाइज आपको लेसन अच्छा लगा होगा अच्छा लगा हो तो यार लाइक कर देना चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना इफ यू हैव एनी क्वेश्चन एनी डाउट कमेंट सेक्शन बिलो अगर कोई क्वेश्चन है तो बिंदास पूछिए नीचे कमेंट सेक्शन में अल आंसर यू मैं आपको आंसर करूंगा और uh, चलिए मिलते हैं बहुत जल्द तब तक के लिए कीप लर्न हैव फन लव अमा